देखिए, सहमति अभी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई हैं। जो डिप्लॉयमेंट था उनका, वो अधिकारी जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने कहा है, और मैंने ये कहा कि भाई आप लिखित में दे दीजिए कि आप जगह देंगे और हम लोग भी एश्योरेंस देते हैं कि आपको करने की जरूरत नहीं है, स्वयं जो है सो अपना हटा देंगे, आज ही से शुरू कर देंगे हटाना, 3 दिन के अंदर ये हट जाएगा। ये एश्योरेंस हम लोगों ने भी दिया है और उनसे भी कह रहे हैं, लेकिन आप लिखित रूप में दीजिए। मान लीजिए आप कल को आप नहीं रहिएगा, कल आपका ट्रांसफर हो जाएगा, तो आज कल क्या हम करेंगे? तो इसलिए आप लिखित रूप में दीजिएगा, तो हमारे पास एक प्रमाण रहेगा कि भाई आपके अधिकारी आए थे और सहमति बनी थी, उस सहमति के आधार पर उधर से भी लिख के दे दें, अब हम लोग इधर से भी लिख के दे दें। मामला इतना ही, राहत देने की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, बात हो गया, अभी तो तैयार हो गए, बात देने की। आसपास ही कहीं मिलेगा? हाँ, तो इसी आसपास रेलवे स्टेशन के बगल में, अब का वो बरका काना में देंगे तो थोड़े वहाँ होगा, इसी रेलवे स्टेशन के परिसर में। जब सब लोग इन्वॉल्व हुए तो जीएम साहब बुला के बात की और बोले कि आप लोग को जगह दी जाएगी, और जगह दिया, लेकिन इन लोग एकदम जिद पे हैं कि मतलब इन लोगों को कैसे भी हमको हटाना, मेरा ही जीत होना है, मतलब आप हटाइए, बस यही जीत है। हम अपनी बात बोले, आप पे नहीं बोल रहे, जो रवैया दिख रहा, नोटिस 70 साल से पूजा हो रही है, हमको कोई नोटिस दिया जाएगा ना भैया हटाने का? यहाँ पे शिवलिंग है, मूर्ति है, तो ये लोग हटा के फेंक देंगे, हम चल जाए सारे लोग को, मतलब हम लोगों कोई आस्था परंपरा का मतलब कोई शक्ति नहीं है। एक अगर कहीं आपको छोटा सा लखनऊ स्टेशन में कोई मजार है तो आप लोग तो हटाते नहीं है, लेकिन हम लोग को इतना ये समझ लेता है, हाँ कहे नहीं हटा ये प्रोजेक्ट सर, तो दीजिए ना, बताइए आप, आइए, कोई हड़बड़ी नहीं है, आज आज ही आपको काम नहीं करना, आज ही नहीं ना काम होगा, आज कोई काम नहीं है, कोई चालू ही नहीं हुआ है, अभी तक नक्शा भी नहीं बना है, इन लोगों सिर्फ हटाने से मतलब है, अगर नहीं रहता तो ये लोग नक्शा बना के बोलते कि देखिए यहाँ रोड बन रहा है, जरा खाली आप लोग कर लीजिएगा, 30 दिन का समय ले लीजिए, हम लोग भी आपको लीजिए, सम्मानजनक स्थिति में है, आप जानते हैं कि लीगल वे में आप लोग तोड़ने आए, लीगल वे में तोड़ने आए ना, हम लीगल वे में बात कर रहे हैं, हमको लिखित में दे दीजिए, और नहीं तो हमको नोटिस दीजिए कि हम तोड़ने जा रहे हैं, उसको हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप लोग अलाउड किए हैं भैया, कोई विषय नहीं है, आप लोग झूठ मूठ का हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, आप समझिए, आप लिखित में दीजिए, जो आप बोल रहे हैं आप लिखित में दीजिए, हम लोग बस का यही चाहते हैं। और वहाँ जो हटा है ना, रेलवे का नियम ही कोई भी चीज, अच्छा यहाँ हम लोग लिखित में नहीं ना आए थे, आप यहाँ हम लोग यहाँ पे जो पूजा कर रहे हैं, कोई लिखित दिया था? नहीं, पूजा हो रही है ना, तो ये बात आप हमसे रूम में भी बात कर सकते, चलिए उधर हम चले जाएंगे, आप लॉ का बात कर रहे हैं, आप हमको नोटिस, आप बता दीजिए कि वहाँ कर लीजिए, हम कहाँ लिखित मांग रहे हैं, आपने मुझे नोटिस दिया आने का, पहले लीगल में बात कीजिए, आपने नोटिस दिया, आप डायरेक्ट आया तोड़ने के, हम पूजा के लिए जगह देने को रेडी है, लिखित में दीजिए ना, लिखित नहीं देंगे, चलिए हम उन्हें बोल रहे हैं भैया, अच्छा जब सरकारी जमीन के लिए एक सरकारी आदमी आपको लिख करके दे देगा या उसमें कंडीशंस रहेगा, कंडीशंस रहेगा, जगह भी रेलवे स्टेशन के पास ही चाहिए, आप यहाँ में जाके पूजा करो तो कोई नहीं, आप ये लिख के नहीं हटाया तो आप बोलिए अभी से हम ही हटाते, अब क्यों तोड़िएगा हमारी चीजों को, हमारे पूजा को तोड़ के हटाइएगा, वहाँ बहुत सारी मूर्ति है, हटाइएगा तो हटा लीजिए, लेकिन हम आप ही के लिए अच्छे के लिए, आप हटाइएगा सर, एक दिन का हमको समय दीजिए, हम लोग 2 दिन का समय दीजिए मिनिमम, ये हटाने में भैया कितना दिन, 3 दिन लगेगा, चदरा वगैरह सब हटवा देंगे, सब हटवा देंगे, ईटा वटा सब खुला कर, अगर कुछ नीचे का बच जाएगा आप लोग इसलिए, देखिए लोग आज रिक्रूट हुए थे, काहे के जब बिना किसी चीज का जरूरत ही नहीं, आप लीगल वे में नहीं आए ना सर, नहीं नहीं किसी चीज की जरूरत ही नहीं, हम ही हटा दे रहे हैं उस चीज को, आप काहे चर्चा कर, आप लीगल वे में नहीं आए ना, आप नोटिस बिना दिए आए, हम लोग क्लेम कर सकते हैं इस विषय को, केस कर सकते हैं, अगला तो बोल ही रहा है, समय दीजिए, 3 दिन में आपको शिवलिंग लगी हुई, आप लिख के दे रहे हैं, मंदिर में उसको स्थापित, आप लिख के दे रहे हैं, इसी प्रकार ये भी लिख के आपको कहेंगे कि मैं स्वयं 3 दिन के अंदर क्यों इसी को बोल रहा हूँ, ठीक है मैं समझ रहा हूँ, ये सीढ़ी से ऐसे आप बताइएगा, ये जो पत्थर लगा रहा है उससे भी है,
छोटा मोटा सहयोग नहीं कर रहे हैं आपको। मेरा जो शिवलिंग है उसको हम लोग विधिवत तरीके से हटाने का आपके सामने वादा कर रहे हैं, छोटा मोटा विषय नहीं रख रहे हैं। और अगर आप लोग शक्ति से प्रदर्शन से काम कीजिएगा तो फिर हम लोग भी लीगल एक्शन लेंगे। आप अभी लीगली नहीं आए, नहीं हो गया सर, इनको अभी एक सुरेश दीजिए क्योंकि सर समूचा डिप्लॉयमेंट है इनका भी ऊपर से ही है। एक मतलब ये बहाना नहीं होना चाहिए, अच्छा रखे ये भी तैयार है, ये ऊपर से बात किए हैं ताकि इनको लगे कि काम शुरू होगा। लिखित आश्वासन दोनों तरफ से हो जाए, दोनों तरफ से हो गया अभी से शुरू होगा, अभी से शुरू होगा 3 घंटा के अंदर। आप लिखिए सर, मैं भी लिख रहा हूँ, आमने सामने साइन होगा दोनों को। मेरा पेपर आप लिखे आप नहीं बोल रहे, मेरे तरफ से विधायक जी है अभी से हम स्वयं हटा रहे हैं अभी से आप लोग बैक हो जाइए, ठीक है। समझ रहे हैं लेकिन लिखित में चाहिए सर, जो आप बोले वही चीज हमको लिखित में चाहिए। हो गया लिखित इस तरह में देखिए, उनका अपना काम है, रेलवे की जमीन है और रेलवे का विस्तारीकरण होने जा रहा है और उसमें हम लोग इस पूजा कमेटी के भी सब लोग सहयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो सहयोग के दृष्टिकोण से ही सब लोगों ने कहा कि हम भी पूजा करना चाहते हैं। यहाँ स्थापित है मंडप, यहाँ जो मंडप है स्थापित है, तो आप कहीं ना कहीं हम लोग को अल्टरनेट एक जगह दीजिए जो साल में हम लोग आगे भी पूजा करते रहे। तो उसमें अधिकारी जो आए थे या मजिस्ट्रेट जो आए थे, सहमति बनी है कि हम लोग कहीं ना कहीं स्थान आपको देंगे और आज से ही ये स्थान को खाली करने के लिए पूजा कमेटी के अध्यक्ष ने सहमति प्रदान की है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।